उद्योगपतियों के लिए मसीहा और गरीबों के भक्षक बन बैठे सरैनी कोतवाल। मामला सरैनी थाना क्षेत्र के धूरे मऊ गांव का है, जहां मंगलवार की रात करीब 9 बजे धूरे मऊ निवासी संतोष दीक्षित पुत्र मदन दीक्षित अपने दरवाजे पर बाथरूम करने के लिए रोड के उस पार गए थे। वापस अपने घर की तरफ आ ही रहे थे कि अचानक तेज रफ्तार सरकारी राशन से लदा ओवरलोड ट्रक अनियंत्रित होकर उनके घर की तरफ रोड के किनारे आकर टकरा गया, जिससे युवक गिर गया और ट्रक युवक के पैरों के ऊपर से निकल गया। गाँव वालों ने किसी तरह उन्हें नजदीकी सीएचसी पहुँचाया, किंतु मामला गंभीर होने के कारण वहां से रायबरेली के लिए रेफर कर दिया गया, जहां से हालत नाजुक देख डॉक्टरों ने ट्रामा सेंटर लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। वहां भी युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद रात में ही प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी पूरी रात और दूसरे दिन एफआईआर नहीं लिखी गई। वहीं ग्रामीणों के विरोध के बाद एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस आई भी तो खुद ही कानून और खुद ही कोर्ट और खुद ही फैसला सुनाने वाली वहीं खुद ही फैसला सुनाने वाली बन गई। दूसरी गाड़ियों को बुलाकर राशन खाली करा दिया और ट्रक मालिक के खड़े होने के बाद भी ड्राइवर का नाम नहीं पूछा गया। विरोध करने पर पुलिस ने वर्दी का रुतबा दिखाया और सैकड़ों लोगों ने सनातन धर्म में हिंदू क्रांति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सूचना दी। आइए दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। संदीप मिश्रा की रिपोर्ट, R9 भारत। भैया क्या परिचय है आपका? मैं सनातन धर्म हिंदू क्रांति दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू चंद्र चूड़ामणि हूँ। क्या घटना हुई है? घटना ये कल की घटना है। इधर से ये संतोष दीक्षित हैं हमारे भैया लगते हैं, ये इधर से आ रहे थे बाथरूम करने के लिए निकले। ये सरकारी माल से लदा हुआ ट्रक जो हाई स्पीड पे था, जिससे उनका पैर कुचल गया और एक पैर तो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, जिसकी शिकायत नज़दीकी थाने में दी गई कल रात को ही। यहाँ से रिफ़र किया गया रायबरेली के लिए, रायबरेली से लखनऊ भेजा गया। वहाँ की स्थिति यह है कि डॉक्टर कह रहे हैं मामला बहुत गंभीर है, पैर काटना पड़ेगा। और यहाँ पर प्रशासन द्वारा जब हम लोगों ने कहा कि उनका इलाज कराया जाए, बड़ी मुश्किल में FIR लिखी गई। ट्रक के मालिक भी यहाँ पर खड़े हैं, ना उस FIR में ड्राइवर का नाम है। यहाँ तक कि इस पर जो सरकारी राशन लदा था उसे भी दूसरी गाड़ियों में खाली करा दिया गया। हमें कानून का हवाला दे रहे हैं कि अगर आपकी FIR लिख गई है तो इसके इसे थाने भेजा जाए, किंतु राशन भी उतर गया है। राशन किसने उतरवाया है? राशन प्रशासन ने खड़े होकर खुद अपने सामने उतरवाया है। उसके बाद जब हमने जो है कोतवाल साहब से बात की तो कोतवाल साहब कह रहे हैं कि अगर आप लोग बदतमीजी पर उतारू हो गए तो हम तुमसे बड़े बदतमीज हैं, हम तुम्हारी बदतमीजी 2 मिनट में ठीक करना जानते हैं। यहाँ हमारे यहाँ आदमी मर रहा है, उनके घर में सिर्फ एक लेडीज है, 15 साल का लड़का उनको अस्पताल पर लेकर पड़ा है और प्रशासन उद्योगपतियों की तरफ लगा हुआ खड़ा है। वो कह रहा है कि अगर आप बदतमीजी पे उतारू होंगे तो हम लोग बदतमीजी कर रहे हैं, मतलब अगर हम लोग कह रहे हैं कि उनके इलाज के, हमने कहा मानवता के नाते जाके वहाँ देखाओ, जो भी इलाज मिलेगा करवा दो, तो ना इलाज करवाने के लिए तैयार है। राशन भी उतर चुका है पूरा, राशन भी दूसरी गाड़ियों में लदा है। उसके बाद वो कह रहे हैं ट्रक भी लेके जाएंगे, बताइए उनका क्या होगा।